आते हैं घूमने के लिए इधर, अच्छा रहता है इधर घूमने में, अच्छा लगता है, थोड़ा हवा हवा बहता है। विद्यालय है सरकारी, अभी हाल ही फिलहाल में बना है ग्राम सभा सिंधवारी का। तो ये देखिए ट्यूबवेल है, हम इससे बहुत नहाते थे पहले, आज से 5 साल पहले, तो इसी में आकर बहुत कूद 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 नहाया करते थे। दिखा सकता हूँ आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला, अच्छा रहा तो आगे चल के मैं और अच्छा अच्छा दिखाऊंगा। अभी तो मैं अपने घर का ही सब हाल परिस्थिति सब दिखा रहा हूँ, अपने गांव का ही आसपास का। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का मौसम देखिए, आज का मौसम बहुत ही अच्छा बना है, आज के मौसम बहुत ही सुहाना है। तो अभी हम खाना वाना खा लिए, अभी सुबह का 10:30 बज रहा है। तो चलिए आज कुछ नया करेंगे, आप सब वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों ये देखिए पाइप रखी हुई है टिल्लू पंप का, इसको हम लेकर चलेंगे, अभी खींच कर लेकर जाएंगे जो हमारा लहसुन है उस खेत में। देखिए मैं भी खेत के बगल में ला दिया हूँ पाइप, और देखिए पानी जा रहा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए पानी अभी जा रहा है। और इसको मैं यहाँ से लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाले क्यारी में लेकर जाऊँगा। देखिए लास्ट वाले इस क्यारी में रख दूंगा और यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी मैं बाबू को खिला रहा हूँ, खेल रहा था तो थोड़ा सोचा कि मैं भी इसको खिला लूँ। देखिए वीडियो में ताक गया, वीडियो में ध्यान से देख रहा है। देखिए बिल्कुल वीडियो नहीं देख रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी हम लहसुन में पानी भरा रहे थे, तो आते हैं घूमने के लिए इधर, अच्छा रहता है इधर घूमने में, अच्छा लगता है, थोड़ा हवा हवा बहता है। तो चलिए अभी थोड़ा घूमते हैं, देखिए। तो दोस्तों ये देखिए विद्यालय है सरकारी, अभी हाल ही फिलहाल में बना है ग्राम सभा सिंधवारी का। तो बहुत ही अच्छा हो गया, ग्राम सभा में बन गया। हम तो ग्राम सभा सोनारा में रहते हैं, मगर सोनारा और सिंधवारी के बॉर्डर पे रहते हैं एकदम, इसी में हमारी भतीजी पढ़ती है, जो उस दिन आप सभी को वीडियो में दिखाए थे, जो आलू हमारे साथ बीन रही थी। तो हाल ही देखिए में मरम्मत हुआ है, अभी हाल ही फिलहाल में बना है, छदे वाली है जो अभी देखिए बना है अभी नया नया में। और ये देखिए तरकुल का पेड़, हम पहले इसी नींव पर आकर दातुन तोड़ते थे, तो लोग हमें बोलते थे दातुन के लिए। देखिए बहुत सारी नींबें यहाँ पे, ये देखिए जामुन का पेड़ है,
देखिए बांस है, इसे देहात में बसवार बोलते हैं। अब ये देखिए गुल्लर का पेड़ है, गुल्लर का चोखा बहुत मजा देता है खाने में। देखिए ये बबूल का पेड़ है, बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये देखिए ट्यूबवेल है, हम इससे बहुत नहाते थे पहले, आज से 5 साल पहले, तो इसी में आकर बहुत कूद कूद कर नहाया करते थे। और इसी ट्यूबवेल से हम लोगों का पानी जाता है खेत में। देखिए तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारे वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा मैं ऐसा वीडियो नहीं बना पाऊंगा जो हमारे घर में है, जो हमारे अगल बगल का खेत, यही दिखा सकता हूँ। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला, अच्छा रहा, तो आगे चल के मैं और अच्छा अच्छा दिखाऊंगा। अभी तो मैं अपने घर का ही सब हाल परिस्थिति सब दिखा रहा हूँ, अपने गाँव का ही आस पास का घूम के दिखा रहा हूँ। अगर आप सभी को सपोर्ट मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो और घर से बाहर दूर दूर जाकर मैं आप सभी को दिखाऊंगा अपने गाजीपुर ज़िले में। अपने हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।